बत्ती नवांशहर देख रहे हो, मैं दिनेश सूरी। आए दिन नवांशहर में कोई ना कोई केस उभर के सामने आता रहता है। अज नवांशहर के रेलवे रोड में कौब नामी कपड़िया के शोरूम स्थित गलबात करांगे। अज नवांशहर के सिटी थाने कौब शोरूम के अंदर कर रहे सेल्समैन दे उत्ते लगे आरोप तो बाद मामला सिटी थाने गरमाया रहा। जेकर मामले की पूरी जानकारी देिए तो मुदई जो फ्रेंचाइजी ऑनर है उसका कहना है कि वह अपने नवे शोरूम नू ओपन करने लई पालमपुर गया होया सी ते स्लो पिंड के लड़के नू जिसका असी नाम नशर नहीं कर रहे हैं, स्लो पिंड के लड़के नू वह नवे शहर का शोरूम हैंड ओवर करके गया सी। उस तो बाद उसनू पता चलिया कि शोरूम के अंदर हेराफेरी की गई है, गले अंदर हेराफेरी की गई है। उसने अपने तिने इंपलॉई लाइन में खड़े कर ले ते स्लो पिंड के लड़के ने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने भी मनिया सी कि इस विच बाकी दो सेल्समैन का कोई कसूर नहीं है, जिसकी वीडियो सबूत वजो उसके कोल है। पर इसते दूजी धिर ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि फ्रेंचाइजी ऑनर ने प्रेसराइज करके साडे पिंड के लड़के तो यह गल्लां खवाईयां हन। फ्रेंचाइजी ऑनर तो उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि वह बाकी दो इंपलाइज़ को दोषी क्यों नहीं मानता, उन्होंने सवालों के खड़े च खड़ा क्यों नहीं करता, जबकि गले विच्चों हुई चोरी दे नाल तिन्हां ने रल के इंजॉयमेंट किया, तिन्हां ने पार्टी की है। बहरहाल मामला सुलझदा सुलझदा उस वेले उलझ गया जो तो मसले नू सुलझाण लई दोनों पार्टियां दे पतवंते सज्जन ज़्यादा गिनती विच उत्थे पहुँच गए और उदों मामला सुलझदा सुलझदा उलझ गया। पर उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपनी सूझबूझ नाल बहुत जल्दी इस मामले नू सुलझा लवेगा।